Hello, namaskar to all of you. Today we are going to start about the really about the Nobel Prize, but it is like this week mudda, because this year also the Nobel Prize of 2021 ka Nobel Prize are almost 100% male affairs. Means isme 100% about almost 100% isme jo main who got the Nobel Prize this year 2021. Thoda sa statistics ki baat karte hain, thoda sa main yahan. This year the only 13 aadmi ko Nobel Prize mila gaya, jisme se keval one woman ko diya gaya, 12 male ko Nobel Prize diya gaya this year. और या नोबेल कमिटी द्वारा या स्लोगन है कि द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमन काइंड. हाउ, कैसे 2020 में 4 वुमेन को नोबेल प्राइज दिया गया था, जबकि 2009 में 5 को दिया गया था. और प्राइज विनिंग जो डेट था 20, 30 और 14 इयर्स बैक की बात कर रहा हूं, फ्यूअर वुमेन रीच्ड द टॉप लेवल ऑफ द एकेडमिक रिसर्च. 2019 में केवल वन आदमी को दिया गया था, वन वुमेन को, जबकि 2017 और 16 और 17 है तो गजब हो गया, एक भी नहीं. नो, तो दिस ईयर आल्सो द ओनली वन वुमेन गॉट द नोबेल प्राइज. केवल एक वुमेन को, औरत को नोबेल प्राइज दिया गया 13 में से, जबकि 12 मेन को वुमेन नोबेल प्राइज. ऐसा नहीं कि दिस ईयर, मैं बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के लिए आऊं, देखते हैं आगे. देखिए नोबेल प्राइज में जेंडर गैप कैसे दिख रहा है. जेंडर गैप 2001 में नोबेल प्राइज शुरू किया गया, अल्फर्ड नोबल जो डायनामाइट का आविष्कार किए हुए थे, 2002 से बचना शुरू हुआ. 2021 तक ओनली 4.1% वुमेन गॉट द नोबेल प्राइज. 2002 से थोड़ी सी स्थिति सुधार हुई, 12.4%, एटलीस्ट नॉट रीच द 30%. 50% की तो बात छोड़िए, not reach the 30%. These are the reality. एक और statistic देखिए, total अभी तक Nobel Prize 876 लोगों को मिला laureates, जिसमें से only 58 got the Nobel women got the Nobel Prize. ये देखिए percentage, इस तरह का Nobel Prize है. 212 आदमी को अभी तक Nobel Prize मिला, जिसमें से 4 women. फिजिक्स में 210, मेडिसिन ओनली 12, 179 केमिस्ट्री ओनली 7, 101 लिटरेचर ओनली 16, 19 पीस ओनली 17, 84 इकोनॉमिक्स ओनली 2. क्लियर. अब हम ये तो देख लिए इशू मुद्दा, अब इस पे आपको मैं छोड़ता हूं, विचार कीजिए कैसे क्या होगा, चूंकि आने वाले भविष्य आप ही हैं. अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज में किसको क्या नोबेल प्राइज, एकदम ब्रीफ में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, ज्यादा नहीं, एकदम ब्रीफ में, चूंकि आपको वही चीज मैं बताऊंगा जो आपके लिए जरूरत है नॉलेज के लिए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया जाता है मेडिसिन, जिसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं. इसमें दो साइंटिस्ट हैं, द डेविड जूलियस एंड द एडम पाटापोटियन. इन लोगों को नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया गया. इन लोगों ने क्या किया, एक रिसिप्टर का आविष्कार, खोज किया, जो कि रिसिप्टर जो है टेम्परेचर और टच को कैसे फील करता है. जनरली वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, हम लोगों को पता है कौन कौन है, नाक है, कान है, मुंह है, त्वचा है, जीभ है, 5 ऑर्गन है. अब इस 5 ऑर्गन से हम लोग सेंस करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बाहरी दुनिया के एक्सटर्नल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने का, दुनिया को ऑब्जर्व करने का यही सेंस ऑर्गन है हमारे पास. अब इस सेंस ऑर्गन के अलावे हमारे बॉडी में मान लीजिए कोई हीट है या कोई टच करता है, तो कैसे वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, कैसे हम लोग अनुभव करते हैं. जैसे कुर्सी रखी हुई है आपके घर में, उसको टेम्परेचर, वह टेम्परेचर नहीं गेन करेगा, लेकिन एक खास ऑप्टिमम लेवल के बाद हमारा बॉडी खुद टेम्परेचर गेन करने लगता है, जो एक लिमिट के बाद, या लिमिट के बाद एक कम हो या ज़्यादा हो, हमारा बॉडी गेन करने रहता है. उस रिसिप्टर मॉलिक्यूल का इन्होंने खोज किया है, और इसको बोला जाता है सीक्रेट ऑफ द नेचर. मॉलिक्यूलर बेसिस सेंसिंग हीट, कोल्ड एंड मैकेनिक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो भी हो उसको सेंस करते हैं. दैट्स वाई इनको दिया गया डेविड जूलियस और एडेमम पाटापोटियन का. अब थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ये है भाई साहब, डेविड जूलियस और द एडेम पाटापोटियन.
देखिए इन्होंने शुरू आविष्कार किया TRP-V1, और ये क्या करता है कि जब ऑप्टिमम लेवल ग्रेटर देन 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक खुल जाते हैं, आयन बन जाते हैं थ्रू द न्यूरोस ट्रांसमीटर के थ्रू ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन पर हमको पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है, टच हो रही है, कोई चुभ सुई चुभ रही है, इनका इन्होंने आविष्कार किया। इन्होंने इस पर रिसर्च कैप्सियन यानी मिर्च पर शुरू किया था, और उसके बाद एट ए रिजल्ट पर पहुंचा कि हाँ। तो मेन कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स इन्होंने एक रिसिप्टर का आविष्कार कर दिया दो, जो हमें टेम्परेचर और टच के बारे में बताता है, जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है क्या, TRP-V1, TRP-V, TRP-M, TRP-A, TRP-V, मैंने TRP आप याद रखेंगे जो होता। नेक्स्ट हम लोग देखें फिजिक्स में, फिजिक्स भाई साहब को पहली बार ऐसा हुआ है जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है उनको दिया गया फिजिक्स में नोबेल प्राइज, क्लाइमेट वाले को। इन्होंने क्या किया कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता। इन्होंने एक कम्प्लेक्स सिस्टम का सभी लोग मिलकर आविष्कार किया कि कैसे रैंडमनेस होता है और वेदर और क्लाइमेट फेनोमेना होता है, इसलिए इन दोनों आदमी को दिया गया, जो एक है शुकुरो मानाबी, कैलस हेसलमैन और जियोजुरियो पारिसी, इटालियन है, एक जर्मनी है और एक क्या बोलते हैं जापानीज अमेरिकन है। ये 90-90 साल के दोनों आदमी हैं, इन लोगों को, ये तो 73 के, इन लोगों को दिया गया फिजिक्स में नोबेल प्राइज। सो फिजिक्स में नोबेल प्राइज एक क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट बार किसी क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्कवरी के लिए फिजिक्स में दिया गया नोबेल प्राइज, तीन आदमी को दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक केमिस्ट्री में दिया गया, ए भाई साहब क्या किए हैं, बेंजामिन लिस्ट 53 हैं, डेविड मैकमिलन स्कॉटिश हैं और ये जर्मनी है, इन लोगों को दिया गया केमिस्ट्री में कि वो कैटलिस्ट का इन्होंने खोज किया। कैटलिस्ट आप स्कूल डेज में पढ़े होंगे, यू वुड हैव लर्न इन द स्कूल डेज दैट द कैटलिस्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो अभी तक दो तरह के कैटलिस्ट हम यूज करते थे, पहला मेटल बेस्ड जैसे कैडमियम जिंक वगैरह का कैटलिस्ट, और दूसरा एंजाइम बेस्ड कैटलिस्ट का यूज करते थे हम। इन्होंने एक नया तरह के कैटलिस्ट का आविष्कार किया जिसको इन्होंने दिया एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। एसिमेट्रिक मतलब बराबर नहीं हो। इन्होंने, यह एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कंट्रोल और एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल भी कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है। सो इसलिए इनको केमिस्ट्री में दिया गया कैटलिस्ट को खोज पर। अब जानते हैं उत्प्रेरक, हिंदी में उनको बोलते हैं उत्प्रेरक, स्कूल डेज में पढ़े होंगे, 8th-9th में होता है उत्प्रेरक का क्या, इस केमिकल रिएक्शन को कई बार कंट्रोल भी करता है, कई बार फास्ट भी करता है, कैटलिस्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों भाई साहब को इसके लिए आविष्कार, ये गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ए न्यू टाइप ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। क्लियर, बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में एक अब्दुल रजाक गुरना है भाई साहब है, इनको ये तंजानिया में जन्म इनका हुआ है, इनको लिटरेचर प्राइज दिया गया। इन्होंने क्या किया कि कॉलोनीलिज्म जो हमारे गुलाम हुए थे, जो रिफ्यूजी का ट्रोमा होता है, उसके एक्सपीरियंस पर इन्होंने कुछ लिखा, जो रिफ्यूजी का कैसे होता है, जैसे म्यांमार बांग्लादेश वगैरह में रिफ्यूजी वगैरह आते हैं ना, तो उस रिफ्यूजी की क्या स्थिति है, कितनी उनको तकलीफ होते है, उस पर इन्होंने एक बुक लिखी और इनके लिए इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया। और दूसरी बात की पांचवा अफ्रीकन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया। क्लियर, इनकी अनकम्प्रोमाइज या अनकम्पसनेट पेनेट्रेशन ऑफ इफेक्ट कॉलोनीज ऑन गल्फ बिटवीन कल्चर एंड कॉन्टिनेंट, चूँकि आप किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कल्चर का भी अंतर पड़ जाता है, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है रिफ्यूजी को लेके। तो इस तरह का इन्होंने ट्रॉमा और कॉलोनीज्म के इफेक्ट पर लिखा, दैट्स वाई ही गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, अब्दुल रज्जाक गुरना। ये है भाई साहब सेकेंड। नेक्स्ट पीस पर प्राइज, यही पहली वोमैन है मारिया अरेसा, फर्स्ट वोमैन इन 2021 हु गॉट द नोबेल प्राइज इन द पीस, ओनली वन वोमैन आउट ऑफ द 30 मैन। सो तो ये फिलिपिन के हैं और एक है दिमित्री मोरातो, ये रसिया के हैं, दोनों को पीस प्राइज मिला। इन्होंने क्या किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस इसके लिए आवाज़ इन्होंने उठाया, दैट्स व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज इन द पीस।
पीस। एंड रेसा जो मारिया रेसा है जो रैपलर का एक डिजिटल मीडिया कंपनी है, उनमें भी इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट थी। और फिलिपिनियन प्रेसिडेंट द रॉड्री ड्यूटेरेटे को ये वोकल क्रिटिक्स मानी जाती है, उनके बारे में लिखती थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लिबर्टी ऑफ प्रेस नहीं है। दैट्स वाई ही गॉट द नोबेल प्राइज इन द पीस एंड ओनली वन वुमन, दैट इज द मारिया रेसा। ये आप याद रखेंगे, वो जो बिलोंग्स टू द फिलीपींस, क्लियर, एलॉन्ग विद द डिमिट्री मोरात्यो ऑफ द रशिया वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2021 फॉर देयर वर्क प्रमोटिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट अ टाइम वेन द लिबर्टी ऑफ प्रेस इज द इंक्रीजिंगली अंडर द थ्रेट। क्लियर, सो ये है फीमेल और ये मेल भाई साहब है। क्लियर, अब इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। इसमें तीन साइंटिस्ट को मिले हैं जो तीनों यूएस से ही हैं। एक है आपको डेविड कार्ड जो कनाडियन अमेरिका है, एक है आपको जोशुआ एंग्रिस्ट जो कि इजरायली अमेरिकन है, एक है डच अमेरिकन ग्यूडो इम्बेन। ये इकोनॉमिक प्राइज इन्होंने क्या किया कि लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट किया। मैं थोड़ा सा बताता हूँ नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या होता है और कॉज इफेक्ट स्टडी क्या होता है, दोनों एक ही होता है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, कॉज इफेक्ट पे हर चीज़ चलता है। अगर गर्म पानी को हम टच करेंगे तो जलेगा ही, अगर कहीं से अगर आप आग जल रहा है तो धुआं उठेगा ही, तो कॉज इफेक्ट पर, नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ नहीं होता। कॉज और इफेक्ट दोनों, किसी चीज का कॉज है तो इफेक्ट भी होगा, अगर इफेक्ट है तो वो कॉज भी होगा। तो इन्होंने इसमें देखा, लेबर मार्केट में भी इन्होंने देखा कि किस तरह मिनिमम वेज वैरी करता है। एजुकेशन से रिलेट कर दिया इन्होंने कि कितना साल आप एजुकेशन में अगर स्पेंड करते हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है, आप कमाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स दिया तीनों आदमी मिलकर, इमिग्रेशन एजुकेशन और ये स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। ये तीन आदमी है अमेरिकन है। देखिए, अगर आप लाइफ के 12 साल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12% तक आपकी आमदनी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप एजुकेशन में 16 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी आमदनी सीधे 65% बढ़ जाएगी। ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट की तरह इन्होंने दिखाया, बस यही है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता, एक कॉज इफेक्ट होता है जो शुरू से हम लोग जानते हैं। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे कैसे, इफ यू नॉट टेक द एजुकेशन हाउ कैन यू अर्न द मनी, हाउ कैन यू सर्वाइव। सो दिस इज द कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट पर इन दो तीनों आदमी को मिला है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। तो ओनली वन वुमन गॉट द नोबेल प्राइज विच इज इन द पीस एंड ऑल अबाउट द नोबेल प्राइज एंड इशूज रिगार्डिंग द वोमैन। क्लियर, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड ऑल्सो लाइक इट। क्लियर, यह मोटिवेट करता है मुझे इस तरह के वीडियो और बनाने के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।